दूसरे दिन का खेल समाप्ति होने तक भारत ने बनाए 473 रन पर 8 विकेट, 255 रन की हुई बढ़त। तो दोस्तों बता दें, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का 5 मैचों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें आज आखिरी मुकाबला जो कि 5वां मुकाबला है। भारत ने दूसरे दिन 1 विकेट पर 135 रन से आगे खेलना शुरू किया और पूरा दिन खेलकर 338 रन जोड़े और 7 विकेट गंवाए। रोहित शर्मा और सुमन गिल ने जड़े शतक। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट गंवाकर 473 रन बना लिए हैं। फिलहाल कुलदीप यादव 27 और जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर नाबाद हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 218 रन बनाए थे, ऐसे में टीम इंडिया की बढ़त 255 रन हो चुकी है। भारतीय टीम इस बढ़त को तीसरे दिन और आगे बढ़ाना चाहेगी। शुक्रवार को पहले सत्र में भारत ने 30 ओवर में 129 रन बनाया और कोई विकेट नहीं गंवाई। इस सीरीज पर पहली बार रहा जब किसी टीम ने 100 से ज़्यादा रन बनाए और कोई विकेट नहीं गंवाए। इसके बाद दूसरे सत्र लंच तक भारत ने 24 ओवर में 4.67 के रन रेट से 112 रन बनाया और 2 विकेट गंवाए। चाय के बाद तीसरे सत्र में भारत ने 36 ओवर में 97 रन बनाए और 5 विकेट गंवा दिए। तो दोस्तों इसके बाद सरफराज खान और डेब्यू कर रहे देवतर पटकल ने 4थे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी की। चाय के बाद बासिर का कहर देखने को मिला, जिन्होंने सरफराज को चलता किया। एक वक्त भारत का स्कोर 3 विकेट पर 376 रन था और टीम ने अगले 52 रन में 5 विकेट गंवा दिए। 376 रन के स्कोर पर एक वक्त था 428 पर 8 हो चुका था। सरफराज के आउट होने के बाद पाडिकल ने 8 शतक पूरा किया और 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 65 रन बनाया। और वहीं बात करें दोस्तों तो फिर ध्रुव जुरेल भी 15 रन बनाकर नवाज चलते रहे और टीम को बस शोएब बशीर ने पवेलियन भेजा। वहीं टॉम हार्टले ने रविंद्र जडेजा और अश्विन को आउट किया। जडेजा 15 रन बनाकर और अश्विन खाता खोले बिना आउट हुए। 52 रन में 5 विकेट गंवाने के बाद कुलदीप और बुमराह ने 45 रन की नवाज साझेदारी किया और लीड को 250 रन के पार किया। तो इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी में 218 रन पर सिमट गई थी। कुलदीप ने 5 विकेट झटके थे। वहीं 100वां टेस्ट खेल रहे रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला, यानी इंग्लैंड के सभी 10 विकेट भारतीय स्पिनर ने लिए। डकेट 47 रन बना सके। कोहली 108 गेंद में 11 चौका और 1 छक्के की मदद से 79 रन ही बनाए। जो रूट 26 सौवा टेस्ट खेल रहे जॉनी ब्रास्ट 29 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान बेन स्टोक्स को कुलदीप ने खाता खोले बिना आउट कर दिया। इंग्लैंड का स्कोर 175 रन था। तब टीम के ब्रास्ट, रूट और स्टोक्स तीनों का विकेट गंवाया था। अश्विन हॉटले 6 रन बनाकर आउट किया और बोर्ड